Hello once again, welcome to my channel. This is Mr. Ajay. अगेन वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज मी साजेश एंड आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये मेरा नया ग्लव्स जो मेरे बाइक के लिए मैंने स्पेशली मंगाया हुआ है. मेरा पिछला दो तीन ग्लव्स है लेकिन जो इस बाइक के लिए अच्छे से सूट हो रहा था वो यही ग्लव्स था. जो पिछला मेरा दो तीन ग्लव्स था वो उतना अच्छा नहीं था, इस बाइक में उतना अच्छे से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ये नया वाला ऑर्डर किया है. और इसका प्राइस में आपको बाद में बताता हूँ. और इसका प्राइस में आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको चलिए अनबॉक्स करते हैं. चलिए इसको हम फाड़ के ही निकाल लेते हैं, तो पता नहीं कैसा निकलेगा ये ग्लव्स. और ये बेसिकली ये समर ग्लव्स है, इसको आप खाली गर्मी में पहन सकते हो. विंटर में तो वैसे भी यहाँ पर पहाड़ों में तो विंटर में बहुत ठंड होता है. और ये लेदर ग्लव्स है, विंटर में तो आपको मोटा वाला ही जो स्नो जो क्या कहते हैं एक्सपीडिशन में जो पहनता है वो वाला ही पहनना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होता है. और यही था मेरा लेदर का ग्लव्स जो मैंने मंगाया था समर के लिए. ये प्योर लेदर है और ये देख सकते हैं समर के लिए स्पेशली बनाया हुआ. इसमें एयर वेंट्स भी है और जिससे आपका जो हाथ होता है उसमें स्वेट होने से भी ये ब्रीदेबल है. अंदर वाला थोड़ा टेक्सचर्ड है ताकि ग्रिप के लिए, और ऊपर वाला जो है जो फिनिश है वो पूरा मतलब पॉलिश्ड जैसा है. चलिए इसको पहनते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसा होता है, मेरे को फिट होता है कि नहीं. और ऐसा है ये ग्लव्स. और चलिए दोनों ग्लव्स पहनते हैं. आप देख सकते हैं ऐसा है. और मेरे को पर्सनली बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ग्लव्स. स्नग फिट बोलता है ना, जो मेरा ये फिंगर टिप्स में भी अच्छे से बैठ रहा है और फिंगर्स भी टाइट करके लेदर टाइट हो रहा है. और लेदर का एक चीज़ है जो जब आप इसको रेगुलरली यूज़ करोगे ना, ये आपके हाथों में ना इसका अपने आप ये फिट हो जाता है. तो ऐसा था, मेरे को अच्छा लगा. और आप भी इसको ख़रीदना परचेस करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी इसको बाय कर सकते हैं. और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा और इसका प्रोज एंड कॉन्स बाद में आपको इसका मैं डालूंगा. तो अभी चलते हैं, ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसा होता है इसका जो पहनने के बाद इसको राइडिंग में कम्फर्टेबल कम्फर्ट वगैरह सभी कुछ देखते हैं. अभी एक छोटा सा ड्राइव हम लेंगे, ट्रायल करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको बाद में दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ड्यूरेबिलिटी और जो वेदर में कैसा परफॉर्म करता है. लेकिन स्टाइलिश बहुत है भाई, ये मानना पड़ेगा. ये देखिए इसका जो है ना क्लासिक लुक है और प्योर लेदर है और जो डिज़ाइन वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है. और लुक्स तो भाई क्या बताऊं, शायद ये वाला ग्लव्स का किसी ने भी नहीं डाला होगा. लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये खाली जो शॉर्ट राइड करता है ना उसके लिए, लॉन्ग लॉन्ग रूट लॉन्ग राइड जो
करता है, उन लोगों के लिए नहीं है ये, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटेक्शन का ज़रूरत होता है। लेकिन मैं ये शॉर्ट राइड जो होता है ना, जो हम घर से निकल के बाज़ार बाज़ार जाके आते हैं, उसके लिए है। तो चलिए हम राइड करते हैं और देखते हैं इसका ग्रिप वगैरह कैसा है और स्टिचिंग वगैरह। अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो। ये देखिए सामने से ट्रेन भी आ रहा है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको ये ट्रेन भी आ रहा है सामने से, और इसी ग्लव्स के साथ साथ ये आप हमारा दार्जिलिंग का जो टॉय ट्रेन है ये भी देख सकते हैं। ये है हमारा फेमस टॉय ट्रेन। और ये जो ब्लॉग मैंने लिया है वो फ्लिपकार्ट से लिया है, और इसका प्राइस है 900 रुपीज़, लेकिन मेरे को फ्लिपकार्ट से एक 100 रुपीज़ का ऑफ मिला। और इसको आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी बाय कर सकते हो इसको। और दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं अगले इसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।